हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप सब अच्छे से होंगे। और ये देखिए अरहम जो है वो कितने आराम से खेल रहा है। अरहम इधर देखो बेटा, गुड्डे नहीं नहीं देखना। ओए होए होए, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है आपको। अरहम गुड्डे। तो गाइस आज जो है हमारे घर पर मेहमान, हमने दावत दी है तो मेहमान आ रहे हैं, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें मैंने अभी से शुरू कर दिया है तैयारी। तो मेहमान जो है बेसिकली वो शाम में आएंगे, बट अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो मैंने अभी से ही, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको बताती चलूं कि आज जो है मैं बनाऊंगी चिकन अफ़गानी, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ चिकन अफ़गानी की। और साथ ही मैं बनाऊंगी चिकन कोरमा एंड बिरयानी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, और साथ में मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा पूरा सब कुछ दिखाना, लेकिन जितना हो सका मैं उतना आपको ज़रूर। गाइस अब हमने जो ये चिकन लिया है इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे पहले। तो इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सौंफ, धनिया पाउडर, सॉल्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसमें रख देंगे आधा घंटे के लिए। और गाइस ये मैंने कोरमा बनाने के लिए पेस्ट बना लिया है इसका मिक्सचर में। ये मैंने लिए थे 3 टमाटर और 4-5 काजू, और साथ ही में हरी मिर्च 4 से 5। गाइस जब तक के हमारा चिकन जो है मैरिनेट होता है तब तक हम इसमें एक बर्तन में ऑयल डाल लेंगे, और हमने जो ये प्याज कट की है इसको हम इसमें डाल के फ्राई करके ये देखिए गाइस ऑयल जो है वो हो चुका है, क्योंकि ये सरसों का ऑयल था तो हमें इसमें से छल अच्छे से निकाल लेनी है। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस प्याज जो है वो ऑलमोस्ट ब्राउन होने वाली है, बस अब हम इसको निकाल लेंगे, बस इतनी ही ब्राउन हमें रखनी है। निकाल लेंगे सभी प्याज को। तो गाइस इस तरीके से हम इस प्याज को स्प्रेड कर लेंगे, और ठंडे होने के बाद हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब जो ये बचा हुआ तेल है गाइस इसमें हम सभी खड़े मसाले ऐड करेंगे, और उसके बाद जो हमने मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे। ये चिकन हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो निकल ना जाए और ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। ये देखिए गाइस चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टमाटो की पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि जो कच्चे मसालों की स्मेल आती है वो ना आए। इसमें जो है वो हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने प्याज का मसाला पेस्ट बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी भी जो स्मेल है वो भी इसी में एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें चिकन जो है वो हो चुका है। अब हम लास्ट में इसमें ये दही फेंट कर इसमें चिकन में डाल देंगे। गाइस कोरमा जो है वो बन के रेडी हो चुका है, और देखिए इसका कलर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा। गाइस ऑलमोस्ट सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर सैलड वगैरह जो है वो भी कट कर लिया है, चटनी जो है वो हमने निकाल ली है, और ये देखिए सालन भी जो है वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर बहुत
ज़्यादा गर्म है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये हमने बिरयानी भी रेडी कर ली है यहाँ पर, और ये हमने बनाया है जी रायता, बूंदी का रायता, और साथ ही में हमने यहाँ पर ये अफगानी जो है वो भी रेडी कर ली है, और इन सब के साथ में मैंने मंगाई है तंदूरी रोटी, तो वो इस हॉट पॉट में है। तो अब हम सर्व करेंगे, थोड़े मेहमान जो है वो आना बाकी हैं, अभी आधे ही मेहमान जो हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।